पिछले कुछ दिनों से देश भर में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि गरीबों को आम लोगों को मिडिल क्लास को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं सरकारें जो सुविधाएं देती है केंद्र सरकार राज्य सरकारें वो सुविधाएं वापस ली जाएं, वो सुविधाएं बंद की जाएं, उससे सरकारों को घाटा हो रहा है इन्हें कोई कह रहा है ये फ्री हैं कोई कह रहा है ये फ्री की रेवड़ी है इस तरह की अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करके पूरे देश के अंदर माहौल बनाया जा रहा है कि सरकारों को बहुत घाटा हो रहा है सरकारों को बहुत घाटा हो रहा है आम लोगों को जो सुविधाएं देती है सरकारें फ्री में देती हैं वो सारी सुविधाएं बंद की जाए ये माहौल बनाया जा रहा है कि अब देश भर में जो बच्चों को सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा दी जाती है वो फ्री शिक्षा बंद की जाए देश आज़ादी के 75 साल मना रहा है इस पचहत्तर साल पचहत्तरवीं वर्षगांठ के अवसर पे जब ये सुनते हैं तो दिल को बेहद तकलीफ होती है वैसे तो पचहत्तर साल के अंदर हमें ऐसा सिस्टम बना लेना चाहिए था एजुकेशन का ऐसा सिस्टम बन जाना चाहिए था कि हमारे बच्चों को अच्छी और मुफ्त शिक्षा पूरे देश में मिलती लेकिन आज़ादी की पचहत्तरवीं वर्षगांठ के ऊपर अगर हम ये माहौल बना रहे हैं कि ठ सही मायने में मनाई जाती और हम क्या कर रहे हैं हम मिलके ऐसा माहौल बना रहे हैं कि अब सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों को फ्री शिक्षा बंद की जाएगी ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि सारे सरकारी अस्पतालों के अंदर फ्री चिकित्सा बंद की जाएगी या तो सरकारी अस्पतालों को बंद कर दिया जाएगा और या सरकारी अस्पतालों के अंदर पैसे लेके अब इलाज किया जाएगा हर चीज के पैसे लिए जाएंगे सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाई के पैसे लिए जाएंगे टेस्ट के पैसे लिए जाएंगे सर्जरी के पैसे लिए जाएंगे जिसके पैस पास पैसे हैं अपना इलाज कराए और जिसके पास पैसे नहीं है वो सरकारों की बला से मरे जहां मर्जी जाए इन लोगों की बला से पचहत्तरवीं वर्षगांठ के ऊपर इस किस्म की बात की जा रही है ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे आम लोगों को फ्री बिजली देना गुनाह है आम लोगों को फ्री बिजली बंद कर देनी चाहिए फ्री बिजली केवल मंत्रियों को मिलनी चाहिए यह माहौल बनाया जा रहा है मंत्रियों को फ्री बिजली मिले आम लोगों को फ्री बिजली नहीं मिलनी चाहिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे फ्री पानी देना गुनाह है हिंदू धर्म के अंदर हमें सिखाया जाता है अगर किसी के पास थोड़ा भी पैसा आ जाए तो वो प्याऊ खोलता है लोगों को फ्री पानी पिलाता है प्यासे को पानी पिलाना हमारे धर्म में अच्छी बात पुण्य की बात मानी है और ये माहौल बना रहे हैं कि फ्री पानी देना जो है वो गुनाह है लेकिन इन लोगों ने जो ये माहौल बना रहे हैं इन लोगों ने देश के कुछ चंद लोगों का दस लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया पता है आपको दस लाख करोड़ रुपए का कुछ चंद लोगों का इन्होंने कर्जा माफ कर दिया कहा जा रहा है कि उन चंद लोगों में कई इनके दोस्त थे पक्के वाले दोस्त थे तो उससे वो 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 चलना चाहिए उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा सरकारी पैसे से बच्चों को फ्री शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए सरकारी पैसे से गरीबों का फ्री इलाज नहीं होना चाहिए सरकारी पैसे इनके दोस्तों के कर्जे माफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वो भी दस लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए इन लोगों ने कह रहे हैं वो होने चाहिए सरकारी पैसा उसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए उससे घाटा नहीं होता कह रहे हैं इन्होंने पूरे देश पे खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगा दिया आम आदमी मरे लेकिन देश के कुछ चंद लोगों का इन्होंने टैक्स माफ कर दिया टैक्स कम कर दिया बड़े बड़े कुछ चंद जो उनमें से भी कई इनके दोस्त हैं चंद लोगों का इन्होंने टैक्स माफ कर दिया अब मैं आपको बताता हूँ दूसरे देशों में क्या होता है दुनिया में उनतालीस अमीर देश ऐसे हैं थर्टी नाइन कंट्रीज उनतालीस अमीर देश ऐसे हैं जहां पे वो अपने बच्चों को फ्री और अच्छी शिक्षा देते हैं उनतालीस देशों में सत्ताईस देश ऐसे हैं जो बारहवीं क्लास तक फ्री शिक्षा देते हैं और बारह देश ऐसे हैं जो आठवीं क्लास तक फ्री शिक्षा देते हैं वो देश अमीर इसी वजह से बने क्योंकि वो अपने बच्चों को फ्री और अच्छी शिक्षा देते हैं अपने बच्चों को तैयार करते हैं और हमारे देश के अंदर माहौल बनाया जा रहा है कि बच्चों को फ्री शिक्षा नहीं देनी चाहिए जैसे डेनमार्क है कनाडा है नॉर्वे है स्पेन है आपने इन लोगों ने सुना होगा इन देशों के बारे में कितने अमीर देश ये लोग ये अमीर देश अपने बच्चों को अच्छी और फ्री शिक्षा देते हैं इन सारे देशों को मैंने स्टडी किया इनमें से एक भी देश अपने दोस्तों के फ्री में कर्जे माफ नहीं करता एक भी देश इनमें से एक भी देश अपने दोस्तों के टैक्स माफ नहीं करता लाखों करोड़ों रुपए के कई देश ऐसे हैं इस दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो अपने लोगों को फ्री में पानी देते हैं कई देश हैं आयरलैंड है साउथ अफ्रीका है लेकिन इनमें से कोई भी देश अपने दोस्तों के फ्री में कर्जे माफ नहीं करता कई देश ऐसे हैं जो अपने नौ देश ऐसे हैं दुनिया के अंदर नौ से भी ज्यादा होंगे मैं तो नौ जानता हूं नौ देश ऐसे हैं जो अपने सारे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री देते हैं फ्री हेल्थ सबका इलाज मुफ्त करते हैं कनाडा ब्राज़ील डेनमार्क नॉर्वे स्पेन यूके इटली क्यूबा बहरेन लेकिन इनमें से कोई भी देश अपने दोस्तों के कर्जे फ्री में माफ नहीं करता ये दोस्त ये देश अमीर इसलिए नहीं बने कि अमीरों के कर्जे माफ़ करते हैं अपने दोस्तों के कर्जे ये अमीर इसलिए बने कि अपने लोगों को अच्छी और अच्छी शिक्षा देते हैं फ्री में देते हैं अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देते हैं फ्री में देते हैं सोलह देश ऐसे हैं जो अपने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देते हैं जब तक उनको रोजगार ना मिल जाए यूएस कनाडा ऑस्ट्रिया बेल्जियम डेनमार्क फिनलैंड फ्रांस जर्मनी बेरोजगारी भत्ता देते हैं वहां पे इनको फ्री भी नहीं बोला जाता वहां पे इनको गालियां नहीं दी जाती आम लोगों को वहां पे इनको फ्री की रेवड़ी नहीं बोला जाता इनमें से किसी भी देश के अंदर अपने दोस्तों के कर्जे फ्री में माफ नहीं किए जाते आज पचहत्तरवीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं मांग करता हूं, सरकारों से मांग करता हूं और इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से मांग करता हूं कि इस देश में हर बच्चे के लिए चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो हर बच्चे के लिए अच्छी शानदार और फ्री शिक्षा का इंतजाम किया जाए इस देश में पैदा होने वाले हर बच्चे का अधिकार है यह फ्री भी नहीं है यह फ्री की रेवड़ी नहीं है इसको फ्री भी और फ्री की रेवड़ी बोलने वाले देश के गद्दार हैं मैं आज मांग करता हूं कि इस देश के हर व्यक्ति के लिए अच्छा शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था की जाए पचहत्तर साल हो गए ये काम उन्नीस में हो जाना चाहिए था आज मैं मांग करता हूं कि इस देश के हर परिवार के लिए 300 300 यूनिट बिजली मुफ्त बिजली का इंतजाम किया जाना चाहिए आज मैं मांग करता हूं कि जब तक किसी को रोजगार न मिल जाए उस बेरोजगार युवा के लिए बेरोजगारी भत्ते का इंतजाम किया जाना चाहिए और आज मैं मांग करता हूं कि जिन लोगों ने 10 लाख करोड़ रुपए के अपने दोस्तों के कर्जे माफ किए कानून लाया जाए इसको देश के साथ गद्दारी घोषित किया जाए अपने दोस्तों के बैंकों के कर्जे माफ करना देश के साथ गद्दारी घोषित किया जाए ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और कौन है ये दोस्त पहले ही उनके दोस्त थे अब ये इनके दोस्त हैं लोग वही हैं पहले वो इनके कर्जे माफ करते थे अब ये इनके कर्जे माफ करते हैं क्या यार आना है इसकी जांच होनी चाहिए कि जिन जिन लोगों के कर्जे माफ किए उन लोगों ने इनकी पार्टी को कितना कितना चंदा दिया है सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए इसके ऊपर इस देश में एक पार्टी है जो परिवारवाद करती है और इस देश में दूसरी पार्टी है जो दोस्तवाद करती है समय आ है ये संकल्प लेते हैं कि इस देश के अंदर आज पचहत्तरवीं वर्षगांठ के अवसर पे हम इस देश से परिवारवाद खत्म करेंगे दोस्तवाद खत्म करेंगे और भारतवाद लेके आएंगे जय हिंद इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर